लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज हम बॉलीवुड की उस अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो 50 और 60 के दशक में भी बोल्ड सीन देने से नहीं कतराई। उस अभिनेत्री का नाम निमी है। आज वह अपना 87वां जन्मदिन मना रही है। निमी उस वक्त फिल्मों में राज कर रही थी। राज कपूर के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वो रातों रात स्टार बन गई। कहा जाता है कि 50 और 60 के दशक में निमी का स्टारडम अपने चरम पर पहुंच गया। उस समय निमी खूब डिमांड में थी और दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर, अशोक कुमार, धर्मेंद्र जैसे कई बड़े एक्टर उनके साथ काम करने के लिए आगे पीछे रहते। निमी का जन्म 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम नवाब बानू था। उनकी मां वहीदन मशहूर गायिका होने के साथ फिल्म अभिनेत्री भी थीं और उन्होंने मशहूर निर्माता महबूब खान के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था। निमी के पिता मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते थे। निमी 9 साल की थीं जब उनकी मां का इंतकाल हो गया था। इसके बाद वे अपनी दादी के साथ पली बढ़ी। विभाजन के बाद निमी मुंबई आ गई और यहीं की होकर रह गई। उन्होंने अपनी मां का हवाला देकर निर्माता निर्देशक महबूब खान से मुलाकात की। वह उन दिनों अपनी नई फिल्म अंदाज का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने निमी को स्टूडियो में बुलाया। अंदाज के सेट पर निमी की मुलाकात राज कपूर से हुई जो उन दिनों अपनी नई फिल्म बरसात के लिए नई एक्ट्रेस खोज रहे थे। वे लीड एक्ट्रेस के लिए नरगिस को साइन कर चुके थे। फिर राज कपूर निमी की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम करने का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। इसे निमी ने स्वीकार कर लिया। 1949 में प्रदर्शित फिल्म बरसात की सफलता के बाद अभिनेत्री निमी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होगी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। साल 1963 में प्रदर्शित फिल्म मेरे महबूब निमी के सिने करियर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार और अमिता की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में निमी ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म आकाश दीप निमी के सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। इसके बाद निमी ने फिल्म इंडस्ट्री से खुद को किनारा कर लिया। निमी ने अपने 4 दशक लंबे करियर में करीब 50 फिल्मों में काम किया जिनमें सजा, दीदार, बेदर्दी, आन, दाग, आंधियां, अमर, कुंदन फिल्में मुख्य थी। वे 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थीं।